मैं मीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं मानसरा के मुमताज कानूनदान हाफिज नसीम साहब, जो चेयरपर्सन हैं मानसरा प्रेस क्लब के, एक साफियों के माबेन गुज़श्ता कई महीनों से इलेक्शन में फार्म तफहीम नहीं हो रही थी और दोनों जो ग्रुप थे वो अदालत चले गए और अदालत ने हाफिज नसीम साहब को कि ये ड्यूटी लगा दी कि इस इलेक्शन को साफ शफाफ बनाया जाए। इसी हवाले से हम इनसे बात करेंगे कि आपने इस प्रोसेस को किस तरह देखा, कहां तक मुकम्मल किया और कब तक ये इलेक्शन आप करवा सकते हैं और इसमें जो आप पेपर वर्क पूरी तफसीलात अपने नाज़रीन को, अपने देखने वालों को भी बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। जी गुलजार साहब, क्योंकि आपने एक ही सवाल में मुख्तलिफ सवाल किए हैं, उनका जवाब देने के लिए मैं तरतीबार अपनी गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। बुनियादी तौर पर इस मुल्क की बदबख्ती ये है कि जितने इदारे भी हैं वो अपने सही फॉर्म में काम नहीं कर रहे। ये सिर्फ ये साफत के इदारे पे नहीं है, अब किसी इदारे में भी जाए तो लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से कुतराते रहते हैं और लोगों का एक फार्मूला बना हुआ है, हो जाएगा होने दो जाने दो, और कोई आदमी भी अपनी दानिश में ये सोच कर काम नहीं करता कि मुझ पे भी कोई जिम्मेदारी है और मैंने इस काम को सही करना है। वो इनको मैं ना कहा कपड़ों में थे कहा बुतरा के कपड़ों में, जिसका कोई फायदा नहीं होता। ये हम साफी हजरात के जिन्होंने हम पे इत्मीनान किया है, कमेटी तश्कील दी है, दोनों पार्टियों ने मेरा नाम पेश किया है, बाकी चार मेम्बरान साहिबान और हैं, इसमें शायद चौधरी साहब हैं अहमदाबाद से, मानसरा से शिराज अहमद एडवोकेट साहब हैं और खावर अब्बासी साहब हैं, और मगर कोशिश मेरी ये रही है कि हम हों, लेकिन क्योंकि मसरूफियात की वजह से ये कमेटी मुझे कम वक्त दे रही है। मैं हफ्ते में कम से कम या दिन में कम से कम 2-3 घंटे इस पर काम करता हूँ और मुख्तलिफ साफी हजरात से और मुख्तलिफ लोगों से मिश्र देता हूँ, लेकिन बड़ी अहम की बात यह है कि अब वोटर बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन है, जैसे हमारे नेशनल और सूबाई लेवल पे उसके शिनाख्ती कार्ड हो और नादरा में उसके इंदराज हो और उसकी उम्र 18 साल हो तो वो वोटर लिस्ट पे आएगा ना। अब मैंने कई बार साफी साहिबान से ये कहा है कि भाई आप कार्ड तो कोई भी बना के दे सकता है, आप अपने इदारे से अथॉरिटी या अपॉइंटमेंट लेटर लाए जिसमें ये लिखा हो कि आप इस इदारे से इतने अरसे तक मुंसलिक हैं और 91 मेम्बरान ने हजरात ने हमें मेंबरशिप के लिए दरखास्तें दी हैं और ये मैंने ये रोजाना हम छानबीन करते हैं, रोजाना उनसे रब्ते करते हैं, 32 अरकान ऐसे हैं उनमें से जिन्होंने दरखास्तें दी हैं, उनके कागजात मुकम्मल नहीं है। और मेरी तो ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट किया जाए, कदम न लगाए, लेकिन कार्ड नहीं, एक तो मैट्रिक की सनत होना जिसकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, ऊपर है तो अगर ठीक है, ऊपरी मैट्रिक की उसके पास फिलहाल नहीं है तो BA की है या FA की है ठीक है, बहरहाल उसने अपनी ये शो करना है हमें कि ये मेरी ये क्वालिफिकेशन है और क्वालिफिकेशन के साथ साथ जनाब अली इदारे का अथॉरिटी लेटर होना बहुत जरूरी है। और कोई बाद साफी दोस्त ये कहते हैं जी हम मुंसाबाद से किस तरह मंगाए, ओ भाई सुपरसानिक दौर में इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है, सुपरसानिक दौर में रह रहे वहां अगर उस इदारे के नुमाइंदे हैं, आपकी डेडलाइन मानसरा है तो आप उसे कहें कि आपको व्हाट्सएप करें, वो व्हाट्सएप हमें कर दें, हम निकाल लेंगे, अगर आप व्हाट्सएप के 20 रुपए नहीं देना चाहते वो हम देंगे, जो इतना नुकसान अब आप वक्त का और पैसों को छोड़ो, पैसा तो आने जाने वाली चीज है, जो वक्त हम दे रहे हैं रोजाना 2-3 घंटे हम इसको गो थ्रू होते हैं मुतलका लोगों से ये करते हैं, बहरहाल
कि ताकि ये हो, 32 आदमियों के अथॉरिटी लेटर नहीं है। दूसरी बात यह कि आप इदारे को, मैं इनसे ये गुजारिश करता हूं कि इदारे की फलाह की कोशिश करें, कोताहियों की निशानदेही करें, गैर तामीरी तनकीद न करें। बात यह कि ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। अगर मुझसे काम कराना है तो वो विविध पैरामीटर्स होगा, और जब तक मैं पूरी तहकीक न कर लूं कि कौन वोटर है कौन नहीं है और किसकी क्या क्वालिफिकेशन है नहीं है, उस वक्त तो नहीं है। क्या इदालत को कहें किसी और को मुकर्र कर ले, इदालत को कहें अगर आपको नहीं है तो ये, या कमेटी का इजलास बुला के उसमें 5 मेंबरान, मैं उनसे ये भी कहता हूं कि ये नहीं है लोग, ये दावत नहीं कर रहे हमारे साथ। जितने तक अपने अथॉरिटी लेटर और डेड लाइन, दो चीजें, मानसेरा की सिटी की डेड लाइन और अथॉरिटी लेटर क्लियर नहीं होगा, उस वक्त तक ये बात कोई सोचे ही नहीं कि वो इलेक्शन हो जाए। और दूसरी बात ये है कि मेरी कोशिश ये है, मेरी कोशिश साथी, हो सकता है इसमें कोई कमी बेशी भी हो लेकिन ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट हो। ये क्या है, पिक एंड चूज नहीं होगा। एक आदमी जहां मैं, मुझे पता है 2 आदमी है जो ये शमाल अखबार है जो हाथों से लिखा करते थे, आप कहते हैं वो मेंबर ना हो, ओ भाई इसके लिए हम पैरामीटर थे क्या होना हो। और इस ये मैंने दोनों जो साहिबान है, दो तरफ से ग्रुप तो नहीं कहूंगा, बस भाई है आपस में थोड़े बहुत इख्तलाफ, दोनों पार्टियों को मैंने कहा है कि जनाब आप दे 5-5 मेंबर, ये पहली हम एक अच्छी काबीना बनाए और इतफाक से उसके बाद आपस में इलेक्शन करते रहे, ये साल नहीं थे 2 साल की बात है। तो ये आप मानसेरा प्रेस क्लब को आला प्रेस क्लब बनाए, इसके लिए देखें आपके इन वजह से, ये ना करने की वजह से, तावन से ये काम रुका हुआ है। और जब तक ये नोट कर ले भाई, कोई भी है, मुझे इसमें न को माली मफाद है, न मुझे इज्जत का मफाद है, न कोई और जाती मफाद है, सब हमारे भाई हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, बड़ा तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे साथ तावन करें। और जिस इदारे के लेटर या जिन जिन साहिबान ने नहीं दिए, हमने लिख के लगाया भी था ये नोटिस बोर्ड पे, उसमें ठीक है किसी के थे, किसी के इनएडवर्टेंटली बास का था तो हमने लिख दिया, नहीं लेकिन ऐसी बात नहीं, हम फिर हमने तहकीक किए। अब 32 आदमी हमारे पास ऐसे रहते हैं जिनके पास करता है, इससे हमारा क्या था लगे, कोई कि ये था माजी में वो था, हाल में ये है और मुस्तकबिल में ये होगा, नहीं। इस प्रेस क्लब में हमने ये देखना है इलेक्शन में कि कौन आदमी जो है, कौन साफी मौजूद साफी जो है, उसके पास अथॉरिटी लेटर है इदारे का सही, और जनाब अली उसकी डेड लाइन मानसेरा सिटी है तो वो मानसेरा प्रेस क्लब का मेंबर बनेगा। देखे अगर प्रेस क्लब की बात है तो जो फार्मूला वो था उसके हवाले से तो मेरे ख्याल से मानसेरा से एक अखबार एक्सप्रेस न्यूज ही छपता है, हजारा न्यूज, हजारा एक्सप्रेस न्यूज छपता है, बाकी तो नशेमन भी नहीं छपता। तो फिर अगर उसमें जाए हम तो वो तो बड़ी खराब, इसलिए हमने हजारा को ही इसका बुनियादी सर्कल करार दे दिया है कि जितने हजारा में रिपोर्ट से, नेशनल तो ठीक है लेकिन लोकल अखबार के हवाले से अगर रिपोर्ट से भी छपता है, अगर एफ्टाबाद से छपता है, मानसेरा से या बटग्राम से भी कोई अखबार छपता है, अगर कोई उसका नुमाइंदा है और उसकी डेड लाइन मानसेरा सिटी है तो वो मानसेरा प्रेस क्लब का मेंबर बन सकता है। अच्छा लोगों के पास है जी, लोगों के पास ना ये अभी इस पे क्लियर नहीं है, हम क्या करते हैं, वो तीन कह रहे हैं, वो तीन कह रहे हैं लेकिन इस पे क्लियर नहीं है क्योंकि हम इसको गो थ्रू करेंगे फिर, क्योंकि इस तरह 3 का इंतखाब फिर कौन करेगा। जब हम 3 करेंगे तो फिर सबसे सीनियर आदमी को हम बनाएंगे, शफीक वो है जो है शमाल वाला जो आज से लिखा करता था, उसका क्या होगा, वो तो बनेगा फिर। तो अगर 3 है फिर वो कैटेगरी हमारी होगी जिसकी ज्यादा साफत से होगी, तो इस तरह और भी वर्किंग साफी जो है, जो ज्यादा एक्टिव है, वो महरूम हो जाएंगे। इसलिए हम किसी को महरूम नहीं करना चाहते, हमारा क्या काम है, हम तो देखें आप साफत ने माशरे की निशानदेहियां करनी है, गलतियों की कोताहियों की, आपने जंग लड़नी है तो जंग में जितने ज्यादा सफाई होंगे वो किसी बुराई के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ उतनी ताकत और उतनी ही मजबूती से जंग लड़ सकेंगे। लोग अपने को मिलाते हैं अपने साथ और हम आपसे लोगों को भगाएं, ये उसूल और ये फार्मूला गलत है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि ये आप लोगों का साफत का मानसेरा में एक आला किरदार हो, एक आला नाम हो, मानसेरा में नहीं पूरे हजारा लेवल पर लोग मानसेरा प्रेस की
मिसालें दे, और इस किसी काम को जो खराब हुआ, नया काम करना तो आसान होता है, लेकिन जो काम खराब हो चुका है उसको ठीक करने में वक्त लगता है। नया घर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जो पुराना घर है उसको पहले तोड़ते हैं फिर उसकी जगह नया घर बनाते हैं, इसलिए इसमें वक्त लगता है। इस पे कोई खफा ना हो बाबा।